इतने भी लिख दिया। अजहर ने भी राइट किया, सही। तीन लोगों ने तो मुझे सुन लिया। अवेश ने भी सुन लिया, गुड। जरा टू लिख के बताइए। अवेश ने टू लिखा है और समीर ने टू लिखा है। नोमी ने भी लिख दिया। सिलो सिलो, मेरे ख्याल में आप लोग जो है वो अभी इन हो रहे हैं अभी तक। मैंने ये कहा है कि हमने लास्ट क्लास में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस देखा था, कंप्यूटर की प्रॉपर्टीज में से, और वर्क अकॉर्डिंग टू गिवन इंस्ट्रक्शन देखा था, कन्वर्ट करता था डेटा को इंफॉर्मेशन में, और स्टडी देखा था। तो किस किस को ये याद है? मैंने कहा तू लिखते हैं, चलिए आप थ्री लिखे, मुझे पता चल जाएगा। आपको मेरी आवाज़ आ रही है तो थ्री लिखे। कैसे लो आवाज आ गई? थ्री लिखे आप लोग। अच्छा, आप में से कौन कौन मुझे सुन सकता है? अगर फोर लिख के बताइएगा। सिर्फ जो है वो आवाज आ रही है तो फोर लिखते रहिए आप लोग। अच्छा जनाब, अब जो है वो हम लास्ट टाइम फिर हम लोगों ने ये देखा था। अच्छा, मुझे कुछ बात करनी है। आप लोग में से कोई हैंड रेस करे जिसको मेरी आवाज सही आ रही। ठीक है, आप जो है ना वो अनम्यूट कीजिएगा सिकंदर। हाँ, यस बताएं। हम लोगों ने जो लास्ट डिस्कशन की थी उसके बेसिस पे हमने जो बेसिकली, आप थे लास्ट क्लास में, यस सही है। तो उसके बेसिस पे मैं हम लोगों ने जो है वो देखा था कि कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से कन्वर्ट डेटा करता है इंफॉर्मेशन में, वर्ड्स यस अकॉर्डिंग यस टू गिवन इंस्ट्रक्शन करता है। उसके अलावा जो थी वो हमने ये वाली जो पिक्चर नज़र आ रही है, ये हमने डिटेल में डिस्कस की थी, ठीक जी सर, है। बिल्कुल इसमें हमने पोर्ट वगैरह देखे थे और हमने जो है वो कैसे प्रोसेस बूट होता है, ये चीज़ें देखी थी ना। यस सर, आपने बताया था कि रैम के अंदर से पैक कहाँ से कैसे जाता है, रैम क्या क्या चेक करती है, फिर आपने बाइट्स के बारे में बताया था कि कितनी बाइट्स हो तो डाटा ज्यादा तेज जाता है, अगर 8 बाइट्स पे हो तो 1 सेकंड लगाता है, 16 हो तो 0.5 सेकंड लगाता है, ये सब आपने बताया था ये सब। अच्छा, फिर ये सॉफ्टवेयर और इस कैटेगरी के हवाले से ऐसे कंसर आपने क्या पढ़ा था? सर इसमें हमने सिर्फ यही पढ़ा था कि ये यूजर डिफाइंड होता है, ये यूजर की हेल्प के लिए होता है, और लैंग्वेज के बारे में आपने बताया था कि लैंग्वेज प्रोग्रामिंग क्रिएट करने के लिए हम बनाए बनाई जाती है, और इसी सेंस में हमने थोड़ा सा और पढ़ा था, बस इससे इसके ज़्यादा डिटेल में नहीं डिस्कस किया था हमने। सही। अच्छा, मैं अनम्यूट अप कर रहा हूँ अवेश को ना। अवेश अनम्यूट करें। जी सर, अवेश, आप बताएं इसके बाद ये जो हमने सॉफ्टवेयर के हवाले से जो बात की थी कि सॉफ्टवेयर होता है और इसके अंदर दो कैटेगरी होती है, तो जनरल जनरल पॉइंट हमने क्या डिस्कस किए थे? बिल्कुल जनरल कि ये सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, एप्लीकेशन ये क्या डिस्कस किया था हमने। सर आपने बताया था कि जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं वो सिस्टम की हेल्प के लिए होते हैं, जैसे कि आपने बताया था कि विंडोज़ के कुछ ड्राइवर्स होते हैं कि अगर वो इंस्टॉल नहीं होंगे तो फिर हमारा विंडोज़ सही नहीं चल पाएगी, और फिर सही आपने बताया था कि जो यूज़र डिफाइंड सॉफ्टवेयर होते हैं वो हमारी हेल्प के लिए होते हैं,
जैसे कि एमएस वर्ड हो गया, एमएस एक्सेल हो गया। Good. फिर आपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का भी बताया था कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो पीसी के लिए होती है, क्योंकि उससे हम पीसी के सॉफ्टवेयर बनाते हैं। उसमें है। फिर आपने बताया था कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की भी टाइप्स होती हैं, लो लेवल की होती हैं। सही है। अच्छा उसके बाद बताएं नेक्स्ट हमने क्या डिस्कस किया था। कोई और हैंड रेस करना चाहे तो वो भी कर सकता है, ताकि वो भी पार्टिसिपेशन तो स्टार्ट हो जाए। सिकंदर ने थोड़ा इनपुट दिया, अवेश ने इनपुट दिया, तो मैं चाहता हूँ कि ऐसे और भी बच्चे जो इनपुट देते चले जाएँ, लेकिन जो हैंड रेस करेगा मैं उससे पूछूंगा। इसलिए कि पहले चांस मैं आपको देना चाहता हूँ, कोई वाइवा नहीं हो रहा, मुझे सिर्फ जो है अप्रिशिएट करना है। अच्छा अवेश अब आप ये बताइए कि आपने जो है वो सिकंदर और अवेश का सिर्फ हैंड रेज है अभी तक, और किसी का नहीं है। देखिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं कर रहा हूँ, जो बच्चे इस तरीके से पार्टिसिपेट करते रहते हैं हैंड रेस करके, वो जो है अब मतलब ये कि टीचर की फिर एक नॉलेज आती है टीचर की कि ये बच्चे जो है ना स्पेशली ये जो है बहुत ज़्यादा मतलब ये मेहनत कर रहे हैं। अच्छा जी चलें ये बताएं, ये जो है हमने 32 और 64 बिट की क्या बात की थी? सर आपने बताया था कि जो है बसिस से जो है ट्रांसफॉर्म डेटा ट्रांसफॉर्म होता है, डेटा पहुंचता है। अगर एक बस होगी तो फिर एक बिट जो है पहुंचेगा, तो अगर एक बिट होगी तो भी थोड़ा स्लो होगा। इसी की तरह जैसे बिट्स बढ़ते रहेंगी उसी तरह आपकी उधर मशीन फास्टर होती रहेगी। 32 बिट्स में थोड़ा कम होगा और 64 बिट्स होगी तो कंप्यूटर और फास्ट हो जाएगा। सही, थैंक यू अवेश। अच्छा अब मैं अनम्यूट कर रहा हूँ कि दोबारा सिकंदर को, क्योंकि ये दोनों ही ने आज शायद बताना है और कोई नहीं बता रहा। तो सिकंदर सर जी, सर आपने इसके बारे में ये भी बताया था कि एक बाइट एक करेक्टर, जैसे हम एक करेक्टर हम लिखते हैं तो उसके पीछे 8 बिट्स भी होती हैं, वो बिट्स 0 और 1 की फॉर्म्स में होती हैं। और आपने ये भी बताया था कि द नंबर ऑफ बिट्स इन द वर्ड डिटरमाइन द वर्ड लेंथ ऑफ द कंप्यूटर, बट इट इज यूजुअली अ मल्टीपल ऑफ 8। आपने किलोबाइट्स के बारे में बताया था कि 2^10 बाइट्स होती हैं, तो उसमें 1024 बिट्स होती हैं, जिसको हम कीबी भी कहते हैं और किलोबाइट्स भी कहते हैं। और मेगाबाइट जो होती हैं, जिसके अंदर 2^20 बाइट्स होती हैं, जिसके अंदर 1048576 बाइट्स होती हैं, समटाइम्स इट्स कॉल्ड मिगी। एंड गीगाबाइट्स के बारे में आपने हल्का फुल्का। अच्छा मैं इस तरीके से ना, मैं अगर आप लोगों को म्यूट करूँ तो इसका ये मतलब होगा मैं दूसरे को किसी से क्या पूछने जा रहा हूँ। अच्छा कोई बात नहीं, गुड। अभी तक जो है ना ये इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे आंसर दिए, अवेश ने और सिकंदर ने, और दोनों का हैंड देखें रेज है। अच्छा नोमी आपको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, सही है? आप देखें अनम्यूट हो रहेंगे। नोमी जरा आप जो है वो अनम्यूट होके देखें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। हाँ अब आप ये बताएं कि ये जो हमने ये इनकी तो बात समझ में आ गई, अब कुछ आपको याद पड़ रहा है कि रैम के हवाले से हमने जो है वो जो बात की थी वो क्या बात की थी रैम के हवाले से, और उसके बाद ये मैग्नेटिक मास स्टोरेज के हवाले से हमने क्या बात की थी, कुछ जहन में आ रहा है? सर मैं इस टाइम क्लास में चला गया था, फिर मैं आ गया था उस टाइम। चले चले कोई बात नहीं, अभी आप क्लास में चले गए थे फिर आप चले आए थे, तो चले कोई बात नहीं। नौमी जो है वो जो लोग नहीं है फिर मैंने यूट्यूब पे इसीलिए तो डाल रहा हूँ कि आप लोग अपडेट करें, मुझे जो है ना बच्चों का ऐसे इंटरेक्टिव जैसे मैं सामने क्लास में बैठा होता हूँ तो पता चल रहा है। शेख मुस्तफ़ा मैंने आपको अनम्यूट करा, देखिए आप अनम्यूट हो सकते हैं। अच्छा ये कोई बात नहीं, जैसे अभी नौमी ने कहा है कि मैं अभी मतलब वो नहीं थे क्लास में, तो आप ऐसे भी कह सकते हैं क्योंकि पहली क्लास है, तो अभी मैं इतना नहीं है कि किसी को कुछ कहूँ कि नहीं आ रहा नहीं आ रहा, सही है। अच्छा ये समीर आप देखें अनम्यूट, मैंने आपको ट्राई किया, अगर आप अनम्यूट हो सके जी। समीर आप बताएंगे ये मैग्नेट। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, ये आपने शायद आई थिंक नहीं पढ़ाया था ये वाला। अच्छा ये वाला मैंने नहीं पढ़ा था। अच्छा सर वो जो आपने जो ऊपर के पढ़ाया ना 40 बिट्स वाले, फिर आपने मतलब एग्जाम्पल के तौर पे मतलब दो ड्रम बनाए थे उनमें से, फिर आप गुजार रहे थे कि मतलब 32 वाला या 16 बिट वाला इतने मतलब पॉइंट उसमें वो होंगे, इतना डेटा ट्रांसफर होगा इस वाली टंकी में से उस वाली टंकी में, और 64 में ज्यादा होगा, यहाँ से लेके मतलब पूरा यहाँ तक तो हमें पता है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है चले ठीक है। अच्छा अब इतने ही रहने देते हैं। अच्छा अब जो है ये जो है थोड़ा सा इसको कन्फर्म करते हैं, अवेश से कन्फर्म करते हैं। अवेश आप बताएं, हमने ये मैग्नेट डिस्क और मास स्टोरेज वाले जो था लास्ट क्लास में स्टार्ट करा था या अभी स्टार्ट मतलब बिल्कुल स्टार्ट ही में था? ये सर हमने आज स्टार्ट करना है ये टॉपिक ना। गुड सर। गुड सही। अच्छा जनाब
अब बहरहाल ये कंट्रीब्यूशन जो है वो आपकी, अच्छा इसमें ये बात नहीं कि अगर आज जो है ना, सही है आप लिख के बता सकते हैं, सिकंदर ने भी लिख के बताया, लेकिन एक बात मैं आपको बोल दूं था कि ये पार्टिसिपेशन ऐसी ही हुआ करेगी। अब आप लोग आंसर दे रहे हैं तो जैसे अवेश का, सिकंदर का, सही है, तो नाम जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो आ रहे हैं मेरे जहन में, समीर का भी आया और नोमी का भी आया। अब अगेन जो है आपने देख लिया कि हमारे पास ना तरीक़ेकार यही हुआ करेगा कि थोड़ा सा क्वेश्चन करा करूँगा मैं, और जो है ना वो उस बेस के ऊपर जो है वो अभी मुझे मतलब 4 स्टूडेंट का ले, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि अगर आज किसी का चांस नहीं आया तो वो मिस हो गया ना, वो मिस नहीं हुआ है, बल्कि ये है कि इंशाल्लाह अगली क्लास में भी जो है वो चांस मिलते रहेंगे। और इस तरीके से पार्टिसिपेशन का एडवांटेज आप खुद ही ले रहे होंगे, जिन लोगों ने आंसर दिए कॉन्फिडेंस भी फील कर रहे होंगे। अच्छा ना बिस्मिल्लाह करते हैं, बिस्मिल्लाह। अब जो मास स्टोरेज डिवाइस, अच्छा इससे पहले कि अभी जो है हम कंटिन्यू करें, तो उससे मुझे अंदाजा होगा आपकी मौजूदगी का कि आप लोग आते हैं, नाम देखो ना फिर मेरे जहन में आने लगेंगे, क्योंकि बच्चे बहुत ज्यादा होते हैं, टीचर उसमें ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं जो पढ़ाई में इंटरेस्टेड होते हैं, और फिर उनको इसी तरह से ट्रीट कर रहा होता है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, साथ बाद में देख लीजिए। अच्छा जी हम बिस्मिल्लाह करते हैं, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये कह रहा था कि ना डेटा जो है ना वो हम दो तरीके से सेव करते हैं, परमानेंटली। जब परमानेंट का वर्ड आ जाता है तो इसका मतलब है कि वो रिमूव नहीं होता। हमने एक वर्ड यूज़ किया था वॉलोटाइल, वॉलोटाइल का मतलब ये होता है कि वॉलोटाइल जो है वो वैनिश होता है या रिमूव हो जाता है। अच्छा अगेन ये जो वर्ड्स वगैरह है इसका ख्याल कीजिएगा, ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ, लेकिन एक्चुअली ये है क्या, बेसिकली ये आप लोगों की वोकेबलरी होती है। किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर हम जब हावी होना चाहते हैं तो उसके जो तो नए वर्ड होते हैं उसको जहन में दोहराना पड़ता है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल इसमें वोलेटाइल जो है ना, वोलेटाइल का वर्ड आ गया। अब आप बोलेंगे वोलेटाइल जो हमने कहाँ पे देखा था, तो जब हमने रैम स्टार्ट की थी ना तो उसके अंदर जो था वो हमने ये देखा था कि ये एक तो ये डायनेमिक एड्रेस मेमोरी होती, ठीक है, यानी कि ये डायनेमिकली इसकी चेंज हो जाता है, और जो वो रैंडम एक्सेस भी होती है ना, ठीक है। अच्छा रैंडम देखें, इसके लिए आप फिर मैं आपको यहाँ पे लेके चलूँगा ताकि मैं आपको समझा भी दूँ, ठीक है। तो ये देखें मैं जाऊँगा इसको जो है वो ऐसे लिख रहा हूँगा कि एक मैं वो बना लेता, सही है, ये क्या है, ये मेमोरी है। अच्छा ये है कि बीच में अगर ऐसा कोई टॉपिक आ जाए जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं तो वो आप बता सकते हैं मुझे, ये ऑलरेडी करती है, क्योंकि ये होता है कि बहुत सारी क्लासेस होती हैं तो उसमें कभी जो है वो कुछ टॉपिक्स के वो रिपीट भी होने लगते हैं, कि हर टॉपिक किस क्लास में क्या कराया, आईसीटी की जरा ज़्यादा क्लास में। ये देखिए जनाब, ये जो है ये क्या मेमोरी है, ठीक है ना। अच्छा मेमोरी को क्या करते हैं, मेमोरी के अंदर जो है ना ये इस तरीके से मेमोरी की ये बाइट्स होती है, इधर एक बाइट आ गई, इधर फिर ऐसे बाइट्स होंगे, इधर बाइट्स आ गए, इधर बाइट आए। तो ये कहते हैं कि यदि हर चीज़ हम जो है ना दुनिया में एड्रेस की वजह से जानते हैं, सबसे पहले जो है ना वो यानी किसी की शनाख्त होगा, किसी का नाम, बेसिकली उसका एड्रेस ही होता है ना। किसी का नाम अगर आप लेते हैं तो वो रुक जाता है आपकी तरफ देखता है, तो हर चीज़ का एक एड्रेस होता है। अगर कराची में घर के नंबर ना हो तो आप अंदाज़ा नहीं कर सकते कि कितनी है वो चीज़ें, तो या कितना हो। तो इसके कॉन्सेप्ट उन्होंने कंप्यूटर में भी ऐसे लिए, उन्होंने बताया क्यों ना ऐसा करें, एक बिल्डिंग की तरह इसके ब्लॉक्स बनाए मेमोरी के ना, और मेमोरी के ब्लॉक्स बना के जो ना उसको नाम ले लेंगे। सपोज मैं ये कहता हूँ कि ये जो है हमारे पास एक फ्लैट है, अपार्टमेंट है, और इसमें 3 ब्लॉक बने हैं ना, तो ठीक है ये हमने जो है वो बना लिए 3 ब्लॉक। अब जब 3 ब्लॉक बना लिए हैंगे, 3 ब्लॉक बनाने के बाद उसमें कुछ फ्लैट भी हम चाह रहे हैं कि हो जाए, ठीक है। तो अब जो है अगर लेट सपोज मैं फ्लैट बनाता हूँ, फ्लैट इसके अंदर कैसे हो सकता है, जैसे ये एक ब्लॉक है, इसमें मैंने क्या करा, ये फ्लैट से मैंने जो है ये सपोज करने ये मैंने 6 फ्लैट बना दिए ना, 1 2 3 4 5 6, सही, ऐसे जो है वो मैंने इसमें भी बना दिए, ठीक है। अब जो है ऐसी जो मैंने इसमें भी बना दिया, तो अब ये देखें 3 ब्लॉक से तो हर हर ब्लॉक में कितने 6 6 फ्लैट बन गए, ऑटोमेटिकली मेरे पास 18 हो गए ना। अब क्या करता हूँ मैं जो ना नंबरिंग भी कर देता हूँ, नंबर का फॉर एग्जाम्पल नंबर मैं कैसे लिखूंगा, नंबर जो है वो ऐसे लिखूंगा कि ये वाला जो है ना
इससे स्टार्ट कर दूंगा कि ये फ्लैट वन है, ये ऊपर लिख देता हूँ, जगह सब नहीं नजर आ रहा है, इधर लिख देता हूँ ये फ्लैट टू है। अच्छा अब कोई बंदा जो है वो आता है यहाँ पे, आता है ना यहाँ पे, ठीक है, गेट पे आया चौकीदार से, कहा मुझे जो है ए टू में जाना है, तो वो फौरन बोलेगा ये ब्लॉक है, आप इसके अंदर जो है ना इस वाले फ्लैट में चलिए। यहाँ तक जो लोग मेरे साथ बात समझे हैं वो फोर लिख के बता दें मुझे, तो सादी सी बात है। शेख ने लिखा, अजहर ने लिखा, सिकंदर ने लिखा, शाहिद ने लिखा, गुड, ठीक है। कोशिश करें आप लोग लिखें, नाम लें, पार्टिसिपेट करें, वरना इंटरेक्शन यही होती है, इंटरेक्शन का यही मतलब होता है कि आप जो है वो बीच में बात भी। अच्छा ये बाहर आ रही है, आपने क्या करा, उन्होंने बोला मेमोरी को भी ऐसे कर लेते हैं, मेमोरी को उन्होंने बोला इस तरीके से करेंगे कि मेमोरी को जो है ना एक बड़ी मेमोरी होगी, सही जीबीज में होगी, ये ब्लॉक बना लेंगे, ये ब्लॉक है। अच्छा इसके अंदर वो उन्होंने कहा कि बाइट ऐसे शुरू होगी, एक बाइट, दूसरी बाइट, तीसरी बाइट, अब ये बहुत बड़ी होगी ना, एक जो किलो बाइट्स में जा रही होगी या मेगा बाइट्स में जा रही होगी, एक एक एरिया जब ये ख़त्म हो जाएगी, तो इसके अंदर जो है मेगा, अगर ये 1 MB, वो ये 1 GB की, ये 1 GB की, ये वन, लेट्स सपोज हमने 4 में डिवाइड कर ली, तो अब ये 4 के अंदर सब एड्रेस होगा, यानी कि 1 GB के अंदर एड्रेस 1, 2, 3, इसको नंबरिंग कर देंगे ना हम, ये कह देंगे ये पहला आपके पास जो है वो ब्लॉक है जैसे मेमोरी के अंदर करते हैं, और ये जो है हमारे पास दूसरा ब्लॉक है। देखिए आप क्या किया, नंबरिंग की वजह से हमें बड़ी आसानी हो रही है, 2 लिखना चाह रहा था मैंने, जगह की कमी थी, और ये जो है 4, सही है, तो ये नंबरिंग है कि अगर किसी को जाना है तो ये बिल्कुल ऐसी हो गई। अच्छा आप फर्ज करें कि ये हमारे पास यही जो है वो बिल्डिंग है, ये स्टैक अभी तो नहीं, वो तो और हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो फिर पता चलेगा। अच्छा फर्ज करें ये फ्लैट है, सही है, ये फ्लैट है, इसके अंदर जो है वो लेट सपोज 400 फ्लैट है, अब किसी के ऊपर ना ब्लॉकिंग नहीं हुई भी और किसी के ऊपर फ्लैट नंबर नहीं पड़ा हुआ ना, तो अगर एक पर्सन आता है इधर गेट पे आता है और वो बोलता है 400 फ्लैट है, वो बोलता है कि मुझे ना मेरे किसी रिश्तेदार के जाना है, तो पहली बात तो ये कि चौकीदार परेशान हो जाएगा, नाम पूछेगा, ये करेगा, लेकिन ये है कि वो फिर इसका एक ही तरीका है, देखें ये अपार्टमेंट है इसका सिर्फ एक ही तरीका, वो ये ये साहब जो है पहले इस दरवाजे पे खटखटाएंगे, चौकीदार तो मना कर देंगे, मैं तो 400 नहीं देख रहा था, फिर ये इस पर खटखटाएंगे, ये इस पर खटखटाएंगे, इस तरीके से करते करते तो ज़िंदगी में कभी ना कभी 12 दिन मिल जाएगा वो बंदा ना, लेकिन कितना टाइम कंज्यूमिंग है, इसीलिए मैंने ज़िंदगी का जी हम लोग तो थोड़ी देर के लिए हम लोग एक्चुअली अब थोड़ी देर के लिए डिस्कनेक्ट हो गए थे, और अब उम्मीद है कि सब जो हो यहाँ पे मौजूद है, ठीक है, अगर आप लोग मौजूद हैं तो फ्री लिख के बताइए, हम जो बात कंटिन्यू करें। अच्छा जनाब अब जो है वो हम ये करेंगे कि इसको अगेन कंटिन्यू करते हैं, शेयर बैक कर रहा हूँ आपके, और ये जो है ये रहा, तो बहरहाल ये जो है ना पर्सन एक एक जगह गया, दूसरी जगह गया, तीसरी, तो जब आपके पास जो है वो इस तरीके से सर्चिंग आप कर रहे हो, क्योंकि आपको पता नहीं है कि कौन सा ब्लॉक है, किस ब्लॉक पे जाऊँ, कौन सा फ्लैट में जाऊँ, आपको एड्रेस, आपके पास सिर्फ एक ही हल है, क्योंकि नहीं है तो 1 by 1, तो इसका पता है क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, आप जो है वो क्या कर रहे हैं सिक्वेंशियल सर्च, अब आप ये टर्म लिख लें सिक्वेंशियल, सही है, 1 by 1, सिक्वेंशियल का मतलब होता है एक आप गए, सही है, उसके बाद दूसरी दूसरी जगह गए, फिर तीसरी जगह गए, अब इसको जो है और ज़रा से ना एग्जाम्पल देखे करते हैं, सिक्वेंशियल वर्सेस रैंडम, ये जो रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं क्यों कहते हैं ना, ये लिखना है कि अभी हम डिफरेंस पता कर रहे हैं कि सिक्वेंशियल और रैंडम एक्सेस मेमोरी में, यानी सर्चिंग के अंदर जो है ना क्या डिफरेंस होता है, अगर सर्चिंग के अंदर क्या डिफरेंस होता है सिक्वेंशियल सर्चिंग के अंदर और आपके पास जो रैंडम सर्चिंग के अंदर, हमें ये भी पता चल जाएगा कि हम जो है वो रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है उसको क्यों कहते हैं ना, ये भी पता चल जाएगा। अब देखें आपने क्या करना है, ये समझ करना है, ये क्या है, ये आपके पास जो है ना रूम्स बने हुए, ठीक है, ये रूम्स बने हुए,
और फर्स्ट कर लेते हैं ये सारे के सारे, ये कॉरिडोर है, कॉरिडोर का मतलब है ये जगह जो है वो आने जाने की है, ये रोड पर है। और ये जो है हम रूम वाइज भी कर रहे हैं। अच्छा ये रूम जो है ना, ये रूम फॉर एग्जाम्पल ये वन से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, और ये जो रूम है थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको, बिल्डिंग को, ये जो है 35 तक जा रहा है, ठीक है, 30 या 45 कर लेते, बड़ी कर लेते, 42 कर लेते। तो ये हमने क्या एग्जाम्पल दी कि ये जो है ना रूम्स 1 से लेके 42 रूम्स है, ये जो है कॉरिडोर जा रहा है। अच्छा ये क्लासरूम है, क्लासरूम है तो इसमें ना हर क्लास के ना टीचर पढ़ा रहा है सुबह का, ठीक है, तो ये आपके पास जो है क्लास, हर क्लास के अंदर एक ये टीचर खड़ा हुआ है और पढ़ा रहा है। और यहाँ पे बच्चे, लेट सपोज यहाँ पे जो बच्चे बैठे हैं या पढ़ रहे हैं, अब क्या होता है कि आपके पास जो है ना, ये जो है एक एक ये मसला है कि एक पर्सन को आप जानना चाहते हो, ये मैंने क्वेश्चन इसलिए लगा दिया कि आपको पता नहीं वो कौन से रूम में बैठा हुआ है ना, अब हमें पता नहीं है वो कौन से रूम में बैठा हुआ है, जब पता नहीं है रूम में बैठा हुआ तो अब क्या तरीका है। अब ये आपने पहले वाले डोर के ऊपर ना, इस वाले डोर के ऊपर नोक किया और टीचर से कहा कि सर आपकी क्लास में ये पर्सन ए बैठा हुआ है, लेट सपोज इसका नाम ए है, आपका कोई फ्रेंड बैठा है। उन्होंने कहा कि नहीं जी, यहाँ पे कैसे आपको पता चलेगा, ठीक है, फिर उसके बाद जो, अच्छा अब आपके पास उसका पता तो नहीं, ढूंढना बहुत जरूरी है, दूसरे कमरे में चलेगा। आखिर में आप, अगर आपकी बैड लक थी कि फॉर एग्जाम्पल वो 42वें में मिला, 42वें जो काम, मतलब इतना लेट हो चुका होगा कि शायद वो काम ही निकल चुका, खत्म हो चुका, लेकिन बाहर 42 के ऊपर आपको मिल गया, तो ये वाली जो सर्च है ये कौन सी कहलाएगी, ये कहलाएगी सिक्वेंशियल, सही है। ये अब आप लिख लें, एग्जाम्पल मैंने इसलिए दिए है कि आपको जो वो याद रहे, ठीक है, सिक्वेंशियल। अगर आप मेरी बात एग्जाम्पल और सिक्वेंशियल का वर्ड समझ चुके हैं तो आप जस्ट सिक्स लिख के बताएं। अवेश ने समझ आया, सही है, और सिकंदर ने, गुलाम हुसैन, मैंने मतलब एग्जाम्पल को समझा जिस उसने वो तो लिखे ना, मैं तो समझा ही रहा हूँ आप जो है ना थोड़ा सा मेरे साथ दे मेंटली तौर के ऊपर ना, कि आप जो मैं कह रहा हूँ ना, अब देखें ये बहुत कम स्टूडेंट लिखने जवाब दे रहे हैं, और मैंने कहा था सिक्स से, एक साहब ने थ्री भी लिख दिया, तो ये जरा सा तो ख्याल करें आप लोग। अच्छा ये मैंने अभी दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, मैंने ये कहा है, गुड गुड, हाँ दोबारा बता दो, अगर और सुनना भाई, ये हमारे पास सिक्वेंशियल सर्च है और रैंडम सर्च है, दो सर्चें होती है। मैं आपको ये फर्क बताना चाह रहा हूँ कि रैंडम और सिक्वेंशियल के अंदर जो है वो फर्क क्या होता है। तो सब का ये मतलब है कि जो रैंडम होता है वो कंप्यूटर रैंडम के ऊपर वर्क करता है, रैंडम मतलब बहुत जल्दी जो सर्चिंग कर लेते हैं ना। तो ये हमारे पास एक स्कूल समझ लो, स्कूल था, एक स्टूडेंट से आपको मिलना था, आपका कजन था, 42 रूम्स थे। तो 42 रूम्स के अंदर आपने क्या करा, 42 रूम्स के अंदर जो है ना आपको वही नहीं है, पता ही नहीं है वो कौन सी, उसका ना रोल नंबर पता है ना कुछ है आपके पास। अब ये तरीका रह गया, पहले एक कमरे में जाओगे, फिर दूसरे में जाओगे, फिर तीसरे में, फिर आखिर में ऐसे क्या आपके कमरा से जब भी मिल जाए, हो सकता है कि वो 10वें में मिल जाए, हो सकता है वो 20वें में मिल जाए, लेकिन टाइम जो है वो लग रहेगा। तो ये कौन सी सर्च कहलाती है, ये कहलाती है सिक्वेंशियल सर्च। अगर अब बात समझ में आ गई तो 7 लिख के बताएं, 7। सॉरी सभी लिखा करें जिनकी, जिन्होंने रिपीटिशन में समझी है, गुड। अच्छा अब जो है वो, अब ये हुआ कि ना थोड़ी देर के लिए ये तसव्वुर कर लेते हैं कि ना उस बंदे का जो, जिसको पर्सन ए को ढूंढ रहे थे ना, आपका दोस्त था, उसके लिए हम क्या करते हैं, ये कर लेते हैं कि उसका जो है ना रूम नंबर 3 था, पहले से बता देते हैं, डिसाइड कर लेते हैं क्या रूम नंबर जो 3 था, और रूम नंबर 3 के अंदर वो जो है वो लेट सपोज 5 5 जो है उसके ऊपर 6 रो के अंदर वो बैठा हुआ है। अच्छा तो इसका मतलब ये तो एक तरीके से एड्रेस हो गया, अब एड्रेस हो गया, अब वो आप अपने दोस्त से मिलने के लिए फिर गए, लेकिन अब क्या आप 1 बाई 1 जाएंगे, नहीं आप सीधे जो है वो रूम नंबर कितने जाएंगे, 3 के अंदर जाएंगे, ठीक है, रूम नंबर 3 में जाके, और वहाँ पे जो है वो आप, ठीक है, रूम नंबर 3 में जाके, यानी ये वाला रूम 3 बन रहा है ना हमारे पास, और ये हमारे पास जो है ये क्या बनिए, 1 2 3,
अब थ्री में वो कौन सी वाली 5 रो के ऊपर बैठा हुआ था भाई? आप कितनी देर लगी? आप क्या, मेरा सवाल ये, हर रूम में जाएंगे? नहीं, हर रूम के ऊपर इसका नंबर भी लिखा हुआ है। आप डायरेक्ट थ्री में जाएंगे? थ्री में जाते ही बोल देंगे कि इस पर 6 रो के ऊपर जो बैठा था उसको जरा मुझे काम है। तो ज्यादा जो है जो मतलब ये अच्छा ये वाली सर क्या कहलाएगी, क्योंकि आपके पास एड्रेसिंग थी, आप जो वो रैंडमली, रैंडमली का मतलब बिल्कुल डायरेक्टली, देखो रैंडमली का मतलब होता है डायरेक्टली, और सिक्वेंशियली का मतलब होता है यानी इनडायरेक्टली। अगर आप सिक्वेंशियल के एक के पास गए दूसरे के पास गए फिर इससे, तो अब जो है रैंडम की अगर आपको समझ में आ गई है तो 8 लिख के प्रेस करके बताएं। गुड, तो सही है, ये दो टाइप की जो है वो सर्च होती है। अब मैंने आपको क्लियर कट बता दिया, अब ये अगर चाहो तो आप रिकॉर्डिंग में देख लेते हैं, किसी के अभी भी समझ में नहीं आएगा। बड़ी सिंपल सी बात है, जब कोई नंबर वगैरह कुछ नहीं होगा तो हम एक एक करके देखेंगे और बहुत टाइम लगेगा, तो ये कहलाती है सिक्वेंस है। और अगर आपके पास नंबरिंग होगी रो नंबरों को तो हम डायरेक्टली वहाँ पहुँच जाएंगे, तो ये कहलाती है रैंडम। तो ये दो एग्जाम्पल हमने मेमोरी वाइज कर लिए कि मेमोरी जो है वो किस तरीके से मैनेज होती है या मैकेनिज्म क्या होता है मेमोरी, एक सिक्वेंशियल होती है और एक रैंडम होती है। तो ये जो है हमारे पास, ये क्योंकि रैंडम एक्सेस मेमोरी का नाम इसीलिए रखा गया कि कंप्यूटर के अंदर क्या होता है, कंप्यूटर के अंदर भी इस तरीके से होता है, 1 2 3 ये डिफरेंट ब्लॉक्स बने हुए होते हैं इसकी मेमोरी में। अब उसको थर्ड मेमोरी के अंदर 7 रो में जाना है तो वो इसी तरीके से कैलकुलेट करके पहुंच जाता है, इसलिए ये रैंडम जो है फास्ट होती है। ठीक है, तो रैंडम आपके पास हो गई। उसके बाद डायनेमिक रैम, इसको इसलिए कहते हैं, आपको याद हो वोलाटाइल अभी मैंने बताया था, वोलाटाइल का मतलब था वैनिश होना। मैं एक एक वर्ड को ना 2 3 दफा रिपीट करूंगा ताकि नया वर्ड हो तो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आए। वैनिश का मतलब होता है रिमूव करना, वोलाटाइल जो है वो वैनिश से निकला है। तो आप जो स्पेलिंग बाय स्पेलिंग है तो वैनिश क्यों कह रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं कि रैम में कोई डेटा होता है लाइट जाती है खत्म हो जाता है, सही है ना? तो इसलिए जो है वो आप जैसे को वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं, सही है, या नॉन परमिनेंट। अब ये जिसकी बात समझ गया है वो फोल्ड लिख के बता दे। फोल्ड एक ही नहीं लिखा है, हाफ फोल्ड, हाफ फोल्ड 3.5 लिख सकते हैं आप, 3.8 लिख सकते हैं। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ मैं, बहुत कम समझ में आई है लोग, दोबारा रिपीट, लेकिन दोबारा रिपीट में आप समझ में आ जाए ना, तो कुछ ये करें। देखिए रैंडम एक्सेस मेमोरी, सही, रैंडम एक्सेस, तो ये रैंडम ही तो है। आप जो चाहते हैं ना, देखें इस फिजिकली जैसे ये ब्लॉक होने में, तो अब क्या होगा वो उस ब्लॉक में जाता है, उसके ऊपर जो भी जिस पे बाइट थी वहाँ पे जाके एड्रेस को रीड कर लेता है, सही है। और वोलेटाइल क्यों कह रहे हैं कि ये वैनिश हो जाती है, वैनिश मतलब रिमूव हो जाती है, जब रिमूव हो जाती है तो वोलाटाइल, रैम हमेशा वोलाटाइल मेमोरी का। नॉन वोलाटाइल कौन सी हो गई जो रिमूव नहीं होती, हार्ड डिस्क हो गई, नॉन वोलाटाइल हार्ड डिस्क हो गई। ठीक, अच्छा यहाँ तक मेरे साथ हैं, आप 3 लिख के बताएं। गुड, वेरी गुड। अच्छा आप देखें जी, दो टाइप के हो गए। अब मैं वही सिक्वेंशियल आपको समझा दिया था, अब हम सिक्वेंशियल देखेंगे। सिक्वेंशियल की हमने क्या की थी, 1 बाई 1। अगर आपको याद हो मैग्नेट टेप है, ये मैग्नेट टेप कौन सा होता है, वो जो वीडियो कैसेट में होता था या ऑडियो कैसेट में होता था पहले होता था, उस वक्त तक टेक्नोलॉजी जो थी वो आपके पास मैग्नेटिक की यूज होती थी, तो तमाम चीज़ों में ना, इवन ये डिस्क भी उसमें डेटा सेव हो रहा है उसमें। अगर आपको याद है होता ये था कि एक तरफ रोल हो जाता था बिल्कुल कम्प्लीटली जब आप रिवाइंड करते थे। ये रिवाइंड वाली बात जो वो किस किस को याद है, जरा 2 लिख के बताओ आप लोग, रिवाइंड और फॉरवर्ड, वो जो आप उस समय वीडियो VCR या ऑडियो में करते थे वो किस किस को याद है, किसी को याद है रिवाइंड करना या फॉरवर्ड करना VCR में जो करते थे वीडियो कैसेट को, किसी को याद नहीं? अच्छा जिसको याद नहीं वो 0 लिख देते भाई, इतना तो मतलब। क्या हुआ, मेरी आवाज क्या खत्म हो गई?
अगर आज अच्छा मेरी आवाज से स्पाइडर टू लिख के हो जा मेरी आवाज आ रही है सबको टू लिख के बताएं भाई। अच्छा ये सही है मेरे ख्याल में टू आपने लिखा है। ठीक है ठीक है अच्छा जी आप सही है इसमें ना उसामा आ रहे हैं जबकि मीटिंग खत्म हो रही है मोहम्मद उसामा आ रहे हैं। तो जनाब हुआ ये है कि इन्होंने ना लिख इन्होंने ये करा है कि ना आपके पास वीडियो जैसे थी तो रिमाइंड होती थी फिर प्ले होती थी तो जब पूरी रिमाइंड हो जाती थी फिर डेटा आता था तो उसमें ये हेड होता था ये कहलाता था रीड राइट हेड सही। और ये जब ट्रैवल कर रहा होता था इसके ऊपर से तो मैग्नेट जो आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है उससे जो वो डेटा रीड कर लिया करता था और उसके थ्रू जो है ना वो पूरा फिर एक मैकेनिज्म होता था हेड की तरफ भेजता था पूरी उसकी इमेज और फिर आपके पास जो है ना आपको ऐसा लगता था जैसे वीडियो वगैरह जो है वो चल रहेगा। ठीक है तो इसके अंदर क्या प्रॉब्लम थी इसके अंदर ये वाली प्रॉब्लम थी कि अगर आपने एक गाना देखना है वापस गाना देखना है तो उसमें क्या होता था आपको रिवाइंड करना पड़ती थी। ठीक है यानी अगेन वो वाली बात होगी सिक्वेंशियल वाली कि वन भाई अगर आप आगे चले गए तो आपको रिवाइंड करना पड़ेगा तो उसका जो है उन्होंने तरीक़ेकार ये वाला निकाला। ठीक है और ये वाला तरीक़ेकार क्या है तो ये तरीक़ेकार ये है कि लेट सपोज ये जो है ना हार्ड डिस्क का भी उधर भी बना हुआ था ये हार्ड डिस्क का सरफेस है। ठीक है ये एक हो गया अच्छा फिर उसके बाद दूसरा भी हार्ड डिस्क का सरफेस है फिर ये जो है वो दो हो गए। तो अब जो है इसका जो हेड है हेड इसका जो है वो ठीक है हेड जो है वो आपके पास ये यहाँ पे जो है ऐसे आता है सही है ये इस तरीके से रीड करता है तो ये यहाँ पे आपके पास आ रहा है ऐसी जो है वो आप क्योंकि हार्ड डिस्क एक्सपेंसिव हो गई है सही है तो इधर जो है वो एक हेड यहाँ पे भी इसका मतलब है यहाँ पे भी डेटा राइड हो रहा है इस जगह के ऊपर भी हो रहा है और इस जगह के ऊपर भी हो रहा है। ठीक है ना तो इतना तभी हार्ड डिस्क में जो बहुत ज़्यादा डेटा आ जाता है लेकिन ये जो आपके पास हेड है सही है ये जो हेड है ये क्या करता है ये रीड करता रहता है मल्टीपल जो है वो डेटा रीड कर रहा होता है तो इसको हमने जो वो यहाँ पे ये कहा कि ये देखें ये वो आर्म की मोशन है आर्म का मोशन क्या मतलब टू एंड फ्रो यानी ये मूव आगे पीछे दोनों डायरेक्शन में करता है। ठीक है ये रीड राइट का हेड है इसी से रीड राइट होता है। आर्म किसका ये कंप्यूटर का आर्म है और ये डिस्क जो स्पिन कहते हैं घूमने को और ये जो है ठीक है तो ये मतलब ये स्पिन करता है तो वो जो है ना डेटा रीड कर लेता है। अच्छा अब आप ये बोले कि ये किस तरीके से जो रैंडमली करता है तो रैंडमली का तो बहुत ही आसान सा तरीका है मिसाल के तौर पर क्योंकि अब हर एक का जो वो ब्लॉक बना हुआ है। ठीक है मतलब डिफरेंट एरिया में अगर आप देखें तो कुछ कुछ जो डेटा है वो यहाँ पे भी सेव होगा सही है और कुछ जो वो यहाँ पर डिफरेंट जगहों के ऊपर जो वो सेव होगा। अच्छा ये एक मिनट रह गया सही है एक मिनट रह गया तो डेटा बाहर हम अभी इसी को यहीं से कंटिन्यू करेंगे यहाँ पे ये डेटा पड़ा हुआ है रीड राइट हेड जो आगे पीछे मूव कर रहा है यानी ये समझ लें यहाँ पे एक मोटर बनी हुई है और वो मोटर जो है उसको रोल कर रही है आगे पीछे है वो मूव कर रहा है। अच्छा ये एक मिनट से कम रह गया है अभी हम 10 से 12 या कुछ इस तरीके से हम लोग जो है वो वापस आ रहे हैं। फ्री लिख के होता है मेरी आवाज़ आ गई है फ्री लिख के बताएं मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को सही है एंड कर रहा हूँ सही है 12-15 मिनट में वापस होना है।